नमस्कार, मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव राव है और आज मैं कुछ तलाक पर सुनाना चाहती हूँ। तलाक अपने आप में ही एक बहुत तकलीफ़ देने वाला लफ्ज़ है, लेकिन ये तकलीफ़ तब और बढ़ जाती है जब अपना हमसफ़र हमने खुद ही चुना हो और बीच रास्ते में हमें वो साथ अगर छोड़ना पड़े तो वो और ज़्यादा तकलीफ़ देह हो जाता है। तो उसके लिए कुछ लिखा है। याद आती हैं बीती बातें तुम्हारी, फिर देखती हूँ तुम अब पास नहीं। क्या बेहतरीन जिंदगी बनाई थी हमने, खैर अब तो कोई बात नहीं। लोगों ने उंगली उठाई मुझ पर, उस बात का कोई मलाल नहीं। तुमने माना उनकी बातों को और पूछा मुझसे कोई सवाल नहीं, खैर अब तो कोई बात नहीं। सबने दरवाजे बंद किए, कोई दरवाजा मेरे लिए खोला नहीं। दुख तो बस इस बात का है, तुमने जाना सब पर कुछ बोला नहीं। मुझे गैरों से कभी उम्मीद न थी, पर अब तुमसे भी कोई आस नहीं, खैर अब तो कोई बात नहीं। वो कपड़े जो तुम्हारी पसंद के थे, वो अब कुछ खास मुझ पर नहीं जचते हैं। लोग जो मिसाल देते थे हमारे किस्सों के, मेरी पीठ पीछे अब वो मुझ पर हंसते हैं। खैर उनसे मुझे क्या लेना, वो कोई मेरे खास नहीं, खैर अब तो कोई बात नहीं। और तलाक के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि जिस घर में हम आए हैं वो तो अब अदालत की दलीलों पर ही चलना है, पर जिस घर में हमारा बचपन बीता है वहाँ भी एक मेहमान जैसी भावना होती है। तो उसके लिए है कि आधी जिंदगी मैंने मायके में बिताई है, पर अब लगता है मेहमान हूँ मैं। तुम अब लेने मुझे नहीं आओगे, ये जानते हुए भी अनजान हूँ मैं। हुआ खत्म हमारा साथ अब, मुझे अब तक ये विश्वास नहीं, खैर अब तो कोई बात नहीं। ये जितनी भी रस्में निभाई थी हमने, मुझे तुमसे बस ये कहना है, बड़ा भरोसा था मुझे उन फेरों पर कि अभी तो 7 जन्म तक हमें साथ रहना है। ना जाने क्यों किसी के वादों पर अब मुझको कोई एतबार नहीं, खैर अब तो कोई बात नहीं। और ये वजह कुछ भी हो सकती है और ज़्यादातर वजह किसी तीसरे के वजह से ही वो रिश्ता टूटने के मुकाम तक आ जाता है। तो उसके लिए है कि जायज़ है तुम्हारा उन पर भरोसा करना, आखिर वो तुम्हारे अपने थे। जायज़ है तुम्हारा उन पर भरोसा करना, आखिर वो तुम्हारे अपने थे। मेरा तो सब कुछ छिन सा गया, क्योंकि वहाँ बस तुम ही मेरे अपने थे। अब बस कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, अब कोई जज्बात नहीं, खैर अब तो कोई बात नहीं। और ये आखिरी कुछ लाइनें हैं कि जब भी हमदर्द हमारे तब अचानक ही पैदा हो जाते हैं जब हमारे बीच में कोई दरार आ जाए, तो उस टाइम उनको मसाला लेने के लिए या मज़े लेने के लिए कई भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो उसके लिए आखिरी कुछ लाइनें हैं कि जो बात हमारे बीच की है, ढिंढोरा उसका मत पिटने देना। जो बात हमारे बीच की है, ढिंढोरा उसका मत पिटने देना। लोग हजारों सवाल अब पूछेंगे, तुम तमाशा मत बनने देना। जिंदगी है, इसे जीना भी है, तो क्या हुआ अब हम साथ नहीं, खैर अब तो कोई बात नहीं, खैर अब तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।